अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन विंग्स। ये चिकन विंग्स जितने बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, अंदर से ये इतने ही टेंडर और जूसी बनते हैं। आप इनको लंच, डिनर या हाई टी पर भी सर्व कर सकते हैं, या आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मजे के ये लगते हैं, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर जो है हमने ऐड कर देने हैं चिकन विंग्स। तो चिकन विंग्स जो है वो मैंने हाफ के जी लिए हैं, और साथ ही इसके अंदर हमने 2 कप के करीब खुला पानी ऐड कर देना है, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर जो है हम सोया सिरका ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, और इसको जो है हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे एक साइड पर। और इसके बाद जो है हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक बाउल ले लिया और उसके अंदर हमने ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून के करीब बेसन। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून लाल कुटी मिर्च ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून जो है नमक ऐड कर देंगे, और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन का लिया है। उसको जो है हमने हाथों पर अच्छे से मसल कर इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। अगर आपको अजवाइन पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो है 1-2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, इससे बहुत ही प्यारा इसका कलर आएगा। और अब इसके अंदर जो है हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक हमने बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ पर जो हमने बैटर तैयार किया है उसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बस इस तरीके की नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोटिंग हमारी रेडी हो गई है और बाकी की जो विंग्स की मैरिनेशन है वो हम बाद में करेंगे, और इसको हम बैटर को रख देंगे एक साइड पर। और यहाँ पर चेक करें जो हमारे चिकन विंग्स थे उनका, देखें कलर जो है पानी का वो चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पर जो चिकन विंग्स है वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, और साथ में इनके अंदर जो स्मेल होती है, ब्लड वगैरह, वो सब रिमूव हो जाता है। और अब हमने जो है चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके बाद अब हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया चिकन विंग्स। साथ ही इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून जो है हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक जो है हमने पहले भी बेसन वाले बैटर में डाला था, तो इसलिए नमक का हमने खास ख्याल रखना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने चाट मसाला ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 जो है लीमू इसके अंदर हम स्क्वीज कर देंगे। और अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर देना है ताकि सारा मसाला अच्छे से विंग्स पर लग जाए। और अब जो है इसके अंदर हमने बेसन वाला मिक्सचर ऐड कर देना है, और अच्छे से जो है इस बेसन वाले मिक्सचर को भी इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं स्पून के ज़रिए इसको मिक्स कर रही थी, लेकिन स्पून की बजाय ये हाथों से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो बस फिर मैंने हाथों का सहारा लेते हुए इसको अच्छे से मिक्स किया है, और इसको रख दिया है 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो आप फ़ौरन से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो 30 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया था और इसको अच्छे से जो है ऑयल को गर्म कर लिया था, और गर्म ऑयल के अंदर इसको हमने फ्राई करना है। और तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है, और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर हमने इसको हाफ फ्राई करना है। और हाफ फ्राई करने के बाद जो है हमने इसको निकाल लेना है अलग एक प्लेट में। और अगर आप फ़ौरन से सर्विंग करना चाहते हैं तो आप इसको इस टाइम पर भी फुल फ्राई कर सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको निकाल कर ठंडा कर लिया है, और अगेन मैंने ऑयल को गर्म किया है, और इसके अंदर जो है मैंने इन विंग्स को तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर रही हूँ गर्म ऑयल के अंदर। इससे ये होगा कि जो ये विंग्स हैं बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कोटिंग वाले विंग्स जब हम फ्राई करते हैं वो कुछ देर के बाद ही सोगी हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो विंग्स हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो जी विंग्स हमारे रेडी हो गए हैं, और लास्ट में जो है मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने स्पेशल मेयो डिप बनाई हुई है, और साथ में केचप है। आप चाहें तो आप इसको ग्रीन चटनी या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।